हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डोम्स के ये दो पेंसिल केसेस जो पेंसिल्स के साथ मिलते हैं। तो इनका कंपैरिजन देखते हैं हम लोग आगे। तो दोनों ही पेंसिल केस के साथ पेंसिल्स मिलती हैं। दोनों में जो है दोनों ये ड्राइंग पेंसिल्स नहीं हैं, राइटिंग पेंसिल्स हैं दोनों। तो ये सिमिलैरिटी है और दोनों ही 5 रुपीज़ रेंज से ज़्यादा वाली पेंसिल्स हैं। और इसके बाद में अब इनके डिफरेंसेस देखते हैं कि डिफरेंसेस क्या है। तो एक तो ये टिन में है जो कि एक इको फ्रेंडली मटेरियल होता है क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाता है और ये प्लास्टिक है। लेकिन इसके भले ये प्लास्टिक है लेकिन आजकल जो जैपनीज स्टेशनरी चल रही है वो इस तरह ट्रांसपेरेंट वाली बहुत ट्रेंड में है, तो इसलिए ये जो है लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और ये पेंसिल बॉक्सेस जो हैं कहीं ना कहीं जैपनीज स्टेशनरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो है जो ओल्ड स्कूल टाइप के हम लोग के ज्योमेट्री बॉक्स होते थे उस टाइप का है। आप दोनों के अंदर के प्रोडक्ट देखते हैं। ये इस तरह की पेंसिल्स हैं, इनकी इसकी बनावट जो है कुछ ट्रायंगुलर शेप में है और इसकी इसके साथ एक शार्पनर मिल रहा है, इसके साथ भी एक शार्पनर मिल रहा है। एक्स्ट्रा क्या है कि इसके साथ एक पेंसिल का कैप मिल रहा है यहाँ पे, ये जो आप पेंसिल पे लगा सकते हैं। फिर इसके साथ में जो पेंसिल्स हैं वो इस तरह की हैं शार्प करने के बाद। और ये पेंसिल मैंने शार्प की हुई है और ये वाली पेंसिल जो है शार्प एंड मिली थी, मतलब पहले से इनको शार्प किया हुआ था। और यहाँ पे ये ग्रूव्स बनी हुई हैं। अप्सरा में इसी तरह की स्पाइरल कटिंग की पेंसिल्स आती हैं, ये भी ट्रायंगुलर शेप में ही है, ये भी ट्रायंगुलर है बट इसमें जो है ग्रूव्स बने हैं। और इसके 3 कलर्स अवेलेबल हैं, ये 3 कलर्स हैं, एक गोल्डन है और एक जो है कॉपर कलर है, एक थोड़ा सा ब्लैकिश कॉपर शेड में है, थोड़ा सा ये रोज़ गोल्ड आप कह सकते हैं, एक रोज़ गोल्ड है, एक गोल्ड है और एक जो है थोड़ा सा ब्लैकिश शेड में है। तो ये 3 कलर्स में अवेलेबल है ये। और अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है इन दोनों में, वो ये है कि इसमें तो सिंपल ये वाला इरेज़र दिया गया है और लेकिन इसमें जो इरेज़र दिया गया है वो इस तरह का इरेज़र दिया गया है जिसमें यहाँ पे जो है आपको एक ब्रश मिलेगा और इधर ये इरेज़र है। तो इसको आप शार्प करेंगे उसके बाद में इसमें से इरेज़र निकलेगा तो उससे आप इरेज़ कर सकते हैं। और इसका जो शार्पनर है वो और इसका जो शार्पनर है वो देख लेते हैं। ये जैसे कि इसका पेंसिल बॉक्स ट्रांसपेरेंट है तो उसी तरह इसका शार्पनर भी ट्रांसपेरेंट ही है। और साथ ही इसका जो शार्पनर है वो सिल्वर कलर का है जैसा कि इसके साथ कैप मिला हुआ है। तो इस कैप को आप जो है पेंसिल के ऊपर लगा सकते हैं या फिर आप जो है इसके ऊपर इरेजर के ऊपर भी लगा सकते हैं। और बात करते हैं साइज़ की, तो पेंसिल की जो साइज़ है वो लगभग दोनों की सिमिलर है, लेंथ सिमिलर है। और अब इसकी बात करते हैं कि इसमें इसके रेट क्या है और इसमें जो क्वांटिटी है पेंसिल्स की वो कितनी है। तो इसकी अगर बात करें तो इसका रेट है 80 रुपीज़ पर पेंसिल है इसमें। और साथ में जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो 10 पेंसिल्स मिल रही है, 1 शार्पनर एंड 1 इरेज़र मिल रहा है इसके साथ। और इसकी बात करें तो इसके साथ भी 10 पेंसिल्स मिल रही हैं, 1 इरेज़र मिल रहा है, 1 शार्पनर मिल रहा है और 1 प्रोटेक्शन कैप मिल रहा है। और इसकी कॉस्ट है 125 रुपीज़। तो ये उससे ज़्यादा कॉस्टली है बट जैसा इसका रेट है, अगर आप लूज़ पेंसिल ये पाएंगे तो 10 रुपीज़ ईच की पेंसिल ये पड़ेगी और ये 8 रुपीज़ ईच की पेंसिल पड़ेगी। और दोनों ही जो है वो आर्ट पेंसिल्स नहीं हैं, सॉरी ड्राइंग पेंसिल्स नहीं हैं, ये सुपर डार्क पेंसिल है। और ये जो है ग्रिप के लिए
एक जैसे स्टार्टिंग कर रहे हैं लिखना, तो ग्रिप अच्छा रहे बच्चों का, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा चिकनी है, तो राइटिंग अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए ये बेटर नहीं पड़ेगी। तो ये था आज का प्रोडक्ट, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और इन दोनों ही प्रोडक्ट का अगर लिंक मुझे मिल जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे दे दूँगी। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।